क्वेश्चन, एनी वन ऑफ दिस two students can be sent to participate in the drawing competition. Neither of the two candidates, have paid his subscription. A, B, C. और कोई गलती नहीं तो नो एरर. थोड़ी सी क्वेश्चन की लंबाई है, ज्यादा है, दो ही क्वेश्चन से आज काम चलाते हैं. Any one of these two students can be sent to participate in the drawing competition. Neither of the two candidates have paid his subscription. बताना है. वन का भी जवाब आ गया और टू का भी जवाब आ गया. फंटास्टिक, बहुत जल्दी जवाब आ गया. जवाब तो आप लोग बहुत जल्दी फटाफट दे रहे हैं. पिछले क्लास में भी आपका जवाब जो है बहुत जल्दी आ गया था, विद द स्पीड ऑफ बुलेट, उससे भी ज्यादा फटाफट. और ये स्पीड देखिए कितनी अच्छी बात है, फटाफट कैसे जाए. यानी प्रोनाउन का क्वेश्चन जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है लोगों को, वही क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो गया. प्रोनाउन ज्यादातर लोग को, प्रोनाउन की गलती लोग नॉर्मली समझ में नहीं आती. इस तरह की जो गलती रहती थी पहले समझ में नहीं आता था, तो इसमें लगता है क्या गलत है. ठीक तो है, हम निकालते एनी वन ऑफ दिस टू स्टूडेंट, इसमें से कोई एक भी लगता है इसमें क्या गलती है भाई, इसमें तो कोई गलती लगता ही नहीं. अब ए में गलती लग रहा है कि भाई जब टू की बात कर रहे हैं तो एनी वन नहीं क्या चाहिए था, either of the two students, anyone. जब दो की बात हो रही है, दो में से किसी एक की बात करनी है, दो में से किसी एक की बात करनी है, तो फिर किसकी बात करनी है, either की बात करनी है. ठीक है. और दूसरा neither of the two candidates, अब इसमें क्या बता रखा कि जहां neither हो तो neither के साथ two आया तो या तो ठीक है भाई, दो है तो neither आ सकता है. लेकिन either neither के साथ क्या करता है, सबसे पहले verb check किया. तो यहाँ जब verb की हम बात करते हैं तो verb क्या कर दिया, have कर दिया. तो है आपकी जगह क्या होगा, has. यही बात कल मैंने आपको बता दिया था कि भाई either और neither आए या each आए, the first thing that should be done is to check the verb, the number of the verb, whether the verb is singular or plural. The first thing that is to be checked. जो पहली चीज जो देखी जाने वाली है वो क्या है, नंबर. वर्ब का नंबर देख लीजिए आपकी, वर्ब सिंगुलर है कि प्लूरल, फर्स्ट थिंग. उसके बाद दूसरी चीज चेक करना होता कि दो है कि नहीं, दो से अधिक है तो फिर neither या either का कोई मतलब नहीं बनता. ये दोनों चीज चेक करना है, पहले वर्ब चेक करना फिर नंबर चेक करना. ठीक है. अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोनाउन. और मैंने कहा कि अब जो सारे प्रोनाउन है थोड़े से लंबे हैं, ज्यादा लंबे नहीं है वैसे. और कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लंबे हो भी सकते हैं, लेकिन जो हमें एरर बनना है हमें उस पर फोकस रहना है कि हमारे एग्जाम में
जिस पॉइंट्स जहां से एरर बनेगा उस चीज को समझना है। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोनाउन है वो है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट प्रोनाउन हमारा डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोंस्ट्रेटिव वर्ड का जो ओरिजिन है डेमोंस्ट्रेटिव वर्ड, तो जनरली डेमोंस्ट्रेटिव वर्ड बना किससे? डेमोंस्ट्रेट से, और डेमोंस्ट्रेट का मतलब हुआ पॉइंट करना, पॉइंटेड, किसी चीज की तरफ इशारा करना। डेमोंस्ट्रेट का मतलब क्या है? किसी चीज की तरफ इशारा करना, पॉइंट करना, डेमोंस्ट्रेट पॉइंट इशारा करना। तो इसका मतलब अगर इशारा करके बोलते हैं, इशारा करके बोलते हैं किसी के तरफ, पॉइंट करके बोलते हैं, तो वो डेमोंस्ट्रेट, इसलिए उसको डेमोंस्ट्रेटिव, जहां पॉइंट किया किसी की तरफ, इशारा किया किसी की तरफ, तो वो डेमोंस्ट्रेटिव हो गया। तो इशारा करके बोलने के लिए हमारे पास कौन कौन सा प्रोनाउन है भाई? तो दिस, That, these, और those, ये चार प्रोनाउन है जो बेसिकली किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए आते हैं, पॉइंट करने के लिए आते हैं, इंडिकेट करने के लिए आ रहे हैं, रेफर करने के लिए आते हैं। जैसे यही है, तो हम कहते हैं दिस इज अ मार्कर। तो दिस इज मार्कर कहने का मतलब या तो हम अपने इशारे से बता रहे हैं दिस इज अ मार्कर, आईब्रो से बता रहे हैं दिस इज दैट इज, ऐसे करके बताते हैं, ये इशारा करना ही हुआ, डेमोंस्ट्रेट करना ही हुआ, या फिर इंडेक्स फिंगर से पॉइंट करते हैं, ऐसे पॉइंट करते हैं, ऐसे पॉइंट करते हैं, पॉइंट करने का कोई तरह, मतलब करेंगे पॉइंट ही, चाहे करके पॉइंट करें, करके पॉइंट करें, चाहे यूं करके पॉइंट करें, करेंगे हम पॉइंट ही। जो दिस है ये सिंगुलर है और ये नियरनेस दिखाता है। नियरनेस का मतलब नजदीक का, और जो दैट है ये डिस्टेंस शो करता है, और ये भी सिंगुलर ही है। दैट डिस्टेंस शो करता है और ये भी, मैं बार बार साउंड ऑन चेक करता रहता हूँ, कहीं पता चले साउंड गायब हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम होती रह जाती है, टेक्निकल समस्या। वैसे आज तक आपको हुई नहीं इस तरह की समस्या ज़्यादा, आगे भी नहीं होगी। तो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो कई इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हैं वो निकाल चुके हैं, अब निकाल रहे हैं नाउन, नंबर, केस, अब ये प्रोनाउन भी खत्म होने होने को जा रहा है। तो अब तो हम लोग क्या है, काफी मतलब धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ रहे हैं। जितनी टॉपिक खत्म हो जाता है हमारा स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। तो दिस सिंगुलर है और कोई अगर नजदीक की चीज है उसके लिए आता है, और दैट भी सिंगुलर है और कोई चीज अगर दूर है तो दूर की चीजों को बताने के लिए हम क्या करते हैं? दैट का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली होता यही है, काम यही होता है, दिस दैट का है चीज, चीज तो यही है। अब दिज जो है, दिज ये इसी दिस का प्लूरल है, तो दिज जो है ये प्लूरल है, और किसका प्लूरल है भाई? तो दिस का ही। इसका मतलब दिज जो है ये भी आता है नजदीक के चीजों के लिए। तो नजदीक में कोई चीज हो और एक से अधिक हो, नजदीक में कोई चीज हो और एक से अधिक हो, तो हम दिस का इस्तेमाल करते हैं। दिस का मतलब हो गया ये सब या यह सभी। तो दिस का मतलब यह, दैट का मतलब वह, दिस का मतलब ये सभी या यह सभी, और दो जो भी है ये भी क्या है? प्लूरल है।
और ये भी क्या दिखाता है, डिस्टेंस दिखाता है. तो दिस का प्लूरल दीज है और दैट का प्लूरल दोज है. दिस का प्लूरल दीज है और दैट का प्लूरल दोज है. ये भी फिक्स होना. दिस कभी कभी यह क्वेश्चन में आता है, द प्लूरल ऑफ दिस, द प्लूरल ऑफ दैट, या द प्लूरल ऑफ दिस, सिंगुलर ऑफ दिस, द सिंगुलर ऑफ दोज, ऐसा आता है क्वेश्चन, कई बार आ चुका है एग्जाम. ये ध्यान रखना है, आता है ऐसा, कई एग्जाम में ऐसा पूछ चुका है. तो बहुत लोगों को पता नहीं कि भाई दिस क्या है, तो दिस का प्लूरल है, ये दिमाग में क्लिक नहीं करता कि दिस का प्लूरल दिस है और दैट का प्लूरल दोज है. और दिस दोनों नजदीक की चीजों के लिए आता है, और दोज जो है वो थोड़ी सी दूर की चीजों के लिए आता है, करता है डेमोंस्ट्रेटिव. क्लियर हो गई ये बात. अब इससे एग्जाम में देखिए कभी कभी कैसे पूछते, जैसे पूछ देगा आई डू नॉट लाइक दिज this type of books. क्या लिख गया, these are my book. This is their problems. और कोई गलती नहीं है तुमने. इसको मैं करता हूं वन, इसको करता हूं टू, इसको करता हूं थ्री. तो वन टू थ्री तीनों में बताइए एरर. वन में भी बताना है, टू में भी बताना है और थ्री में भी बताना है. एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आता है. इसके क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, अगर समझ में आ रहा तो फटाफट बन जाता है, क्योंकि इसमें इसी तरह क्वेश्चन आ सकता है, इसी तरह क्वेश्चन आता है. दिस होगा और क्या क्या कह रहे हैं, दिस आर, दिस होगा. चलिए ओके, दो क्वेश्चन का जवाब दे दिया, तीसरे क्वेश्चन का भी जवाब दीजिए, तीसरे क्वेश्चन का भी जवाब दीजिए, थर्ड क्वेश्चन का भी जवाब दीजिए, थर्ड क्वेश्चन का भी, थर्ड क्वेश्चन का भी जवाब आ गया. देख लो जरा, दिस होगा, दिस आर होगा, तीन में दिस आर होगा, ओके, और टू का सी बता रहे हैं, ओके. तो आई एम नॉट लाइक दिज, आई एम नॉट लाइक दिज टाइप ऑफ बुक्स. तो दिज अगर हम लिखा दिस, दिज, तो अब देखना ये है कि बी में गलती करें कि सी में गलती करें. तो इसमें आपको सी में गलती करके आना चाहिए, सी में. क्यों? क्योंकि दीज तो जो है, दीज अपने आप में गलत नहीं है और दीज प्लूरल के लिए आया है. तो आप अपना क्या करें, टाइप को टाइप्स करें. दूसरी बात यहां यह भी देखना होगा, दूसरी बात होती है कि ये जो दीज है, इसका अगर टेक्निकली नाम पूछेगा तो इसको आप आराम से कह सकते हैं कि ये प्रोनाउन है, सॉरी एडजेक्टिव है. दीज, दीज प्रोनाउन भी है और दीज एडजेक्टिव भी है.
दिस प्रोनाउन भी है, दिस एडजेक्टिव भी है, दैट प्रोनाउन भी है, दैट एडजेक्टिव भी है। इस पर मैं डिटेल में जब एडजेक्टिव आएगा तो और मैं बताऊंगा, अभी से मैं हिंट दे रहा हूं ताकि आप समझ लें कि प्रोनाउन, और चूंकि दोनों के मीनिंग सेम होते हैं, ऐसा नहीं कि दिस और दैट के प्रोनाउन और एडजेक्टिव में मीनिंग अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं, तो मीनिंग सेम होता है। जो दिस का मीनिंग है एडजेक्टिव में, वही मीनिंग प्रोनाउन में भी होता है, तो मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि दिस, दैट, दीज और दोज, ये सारे के सारे जो है प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी, यूज चूंकि एक जैसा होता है इसलिए सेंटेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रूल तो सेम जैसा चलना है क्या, कि दिस, तो ये जो वर्ड हमने पहले लिख रखा है ये दिस गलत तो नहीं, किसको हम दिस कर दें, ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, इसमें जो दिस का इस्तेमाल हुआ है वो प्रोनाउन की तरह हुआ भी नहीं है। इसी बात को थोड़ा सा समझाना था इसलिए क्वेश्चन आया था, नहीं तो आप फिर उलझ जाते भी इस क्वेश्चन में, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया था कि ये प्रोनाउन की तरह यूज भी नहीं हुआ। अगर प्रोनाउन की तरह यूज होता तो फिर हम नाउन के नंबर को देखते हुए इसको चेंज कर लेते, नाउन के नंबर को देखते हुए चेंज। अब देखिए, पहले ये सारे तीन क्वेश्चन लिखने का मतलब ही था, पहले मुझे आपको बताना था, ये समझाना था कि ये सारे वर्ड जो प्रोनाउन की तरह है कि एडजेक्टिव की तरह है, पहले ये समझ लीजिएगा, इसलिए तीन क्वेश्चन मैंने पूछे थे ये बात बताने के लिए। अब इसमें दीज आर माई बुक्स, दीज आर, इसमें अगर कोई पूछेगा दीज क्या है तो इसमें ये प्रोनाउन है, इसमें पूछेगा दिस इज देयर प्रॉब्लम्स, इसमें दिस क्या होती है, प्रोनाउन है। तो आप बताइए इस दिस को हम प्रोनाउन कह रहे हैं, इस दिस को हम एडजेक्टिव कह रहे हैं, ऐसा दोनों में क्या डिफरेंस है? मतलब मैं आपको कोई पहचानने का तरीका पता है कि दिस अगर प्रोनाउन भी है और दिस अगर एडजेक्टिव भी है तो हम कैसे पहचानेंगे कि दिस प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है? हमें समझ में कैसे आए कि दिस प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, कैसे समझेंगे? क्योंकि मैंने आपको कहा, मैंने कहा ही है, रूल तो ग्रामर का है कि दिस, दैट, दीज और दोज प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। तो इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है, सबसे आसान तरीका कि दिस आपका प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, इसको पहचानने का सबसे तरीका है कि दिस और दैट और दीज और दोज अगर अकेला आ रहा है, अकेला कहने का मतलब अगर उसके तुरंत बाद नाउन नहीं है तो वो प्रोनाउन है। जैसे इसमें देखिए, दिस के तुरंत बाद नाउन नहीं है, दिस के बाद अपना वर्ब वगैरह कुछ भी आ गया। इसमें भी देखिए, दिस के तुरंत बाद वर्ब अगर कोई नाउन वाउन नहीं आया, इसलिए ये दिस और ये दिस क्या है, प्रोनाउन है। लेकिन इस दिस के तुरंत बाद टाइप आ गया जो नाउन है, टाइप एक नाउन है, टाइप, काइंड, ये सब क्या है, नाउन है। तो दिस के तुरंत बाद ये नाउन आ गया, इसका मतलब ये दिस एडजेक्टिव है, दिस एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव होने से क्या फर्क पड़ता है, क्यों पहचानना जरूरी है एग्जाम में? क्योंकि मान लो अगर ये दिस प्रोनाउन होता तो नाउन के नंबर के हिसाब से चलते और टाइप सिंगुलर था तो इसको भी क्या करते, सिंगुलर कर देते, टाइप सिंगुलर था तो इसको भी सिंगुलर कर देते। या फिर हम ये देखते कि अगर दो से एक से अधिक पार्ट है तो कौन सा ऐसा एरर करे कि एक पार्ट में सुधार करने से काम चल जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता कि दो अलग एक अगर कुछ आप सुधार करेंगे तो दो पार्ट में गलती हो जाएगी, तो दो पार्ट में गलती हो जाएगी, दोनों पार्ट में तो हम गलती कर नहीं सकते हैं। तो फिर हमें यह चुनना पड़ता है कि भाई कौन सा एक ऐसा करेक्शन करे कि पूरा सेंटेंस सही हो। मान लो कोई ऐसा करेक्शन करना पड़ जाए इसमें कि दो पार्ट में गलती निकल आए तो फिर तो आपको, फिर तो आपका करेक्शन ही गलत हो जाएगा। तो फिर ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम उस गलती को तलाशते हैं, उस गलती को ढूंढते हैं, उस गलती को तलाशते हैं या उस गलती को ढूंढते हैं, उस गलती को तलाशते हैं, उस गलती को, जिससे कि एक पार्ट में करेक्शन करने से काम चल जाए। तो पहला फर्क समझ में आया आपको, फर्स्ट फर्क क्या समझना था कि दिस, दैट, दिस, दोज प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी, अपना लिख लीजिए, इस बात को लिख लीजिए तो भूल जाएंगे, यह समझना जरूरी है कि ये लिख लीजिए, साफ साफ ऐसे हिंदी में लिख लीजिए कि दिस, दैट, दिस, दोज प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। हम कैसे समझेंगे कि ये प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है? तो दिस, दैट, दिस, दोज, यानी ये वर्ड अगर नाउन के साथ होंगे, यानी इन वर्ड्स के तुरंत बाद अगर नाउन होगा, इन वर्ड्स के तुरंत बाद अगर नाउन होगा तो ये एडजेक्टिव होगा, और ये सारे वर्ड अगर बिना नाउन के होंगे, ये सारे वर्ड का मतलब क्या, दिस, दैट, दिस और दोज, ये सारे वर्ड अगर बिना नाउन के होंगे, अकेले होंगे, तो प्रोनाउन कहलाएंगे, ठीक है। तो इसमें दिस के बाद क्या नाउन है, इसका मतलब एडजेक्टिव है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि जब इसका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव नाउन के लिए आता है
एडजेक्टिव नाउन के लिए आता है। तो ये दिस प्लूरल आयाज का मतलब किसके लिए, नाउन बॉयज के लिए आता है। इसको हमको टाइप को क्या करना पड़ेगा, प्लूरल करना पड़ेगा दिस, क्योंकि ये वर्ड गलत नहीं है, दिस वर्ड अपने आप में गलत नहीं है। और प्रोनाउन और एडजेक्टिव में क्या अंतर है कि प्रोनाउन जो है वो नाउन के नंबर के हिसाब से आता है। नाउन जैसा होगा, नाउन डिसाइड करता है प्रोनाउन कैसा होगा, ठीक है, नाउन डिसाइड। इसलिए अगर ये प्रोनाउन होता तो हम टाइप के हिसाब से क्या करते, दिस कर लेते, लेकिन ये तो एडजेक्टिव है और ये वर्ड गलत नहीं है। दिस अपने आप में एक सही वर्ड है, तो दिस अगर अपने आप में सही वर्ड है तो दिस के साथ नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। इसलिए क्या होगा, आई डोंट लाइक दिस टाइप्स ऑफ बुक्स, सी में गलती करके आते। लेकिन अगर इसमें बात करें तो इसमें लिख रखा है दीज आर बुक्स। अब देखो यहाँ पे, अब ये प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को चलना चाहिए नाउन के हिसाब से, तो बुक तो यहाँ पे सिंगुलर है, इसका मतलब इसको क्या होना चाहिए था, दिस होना चाहिए था। लेकिन जैसे इसको हम दिस करेंगे, जैसे इसको हम दिस करेंगे तो ए में भी गलती हो जाएगी, बी में भी गलती हो जाएगी। इसलिए ग्रामर जो है ना एग्जाम में बहुत हमारे दिमाग का प्रेजेंस ऑफ माइंड का टेस्ट रहता है। इसलिए एग्जाम में जाने से पहले सारे तरह के क्वेश्चन जो आ सकते हैं उसको हम सॉल्व करके जाते हैं कि भाई क्या क्या खेल खेल सकता है वहां पे। तो आपसे तो कोई पूछेगा कि भाई ये तो बात होती है कि नाउन के नंबर के हिसाब से प्रोनाउन डिसाइड होता है, और इसमें तो दिस क्या है, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन है तो नाउन के हिसाब से डिसाइड होना चाहिए कि भाई नाउन यहाँ सिंगुलर है, बुक है, तो ये दिस होना चाहिए, इस और ये इज होना चाहिए। तो बोलते यही तो प्रॉब्लम है कि अगर इसको दिस करेंगे, इसको इज करेंगे तो एक नहीं दो दो पार्ट में गलती हो जाएगी, फिर तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो इस तरह के सेंटेंस को कैसे सही करेंगे, तो इस तरह के सेंटेंस को सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने थोड़े से नाउन को ही सुधारना पड़ेगा, नाउन को ही मनाना पड़ेगा कि भैया तू ही मान जा, अगर प्रोनाउन में हम कुछ छेड़खानी करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। इसलिए अकलमंदी की बात है कि नाउन को हम क्या करते हैं, छेड़ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा जहां हो सकता है नाउन को ना छेड़ना पड़े, दिस इज देयर प्रॉब्लम। अब यहां पर देखिए, यहां फिर अगर प्रॉब्लम प्लूरल है तो नाउन प्रोनाउन के लिए आएगा, नाउन प्रोनाउन जो है नाउन के हिसाब से आएगा, ये तो प्रॉब्लम है, तो इसको क्या करना चाहिए, दिस करना चाहिए और फिर इसको आर करना चाहिए, फिर वही गलती होगी कि ए में भी गलती हो जाएगी, बी में भी गलती हो जाएगी। तो हमको क्या छेड़ना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स का एस हटाना पड़ेगा। मैं जो समझा रहा हूं वो समझ में आ रहा है कि एग्जाम में कैसे आपको चलना है, पहले ये बता दे फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा कि एग्जाम में क्या देखना है, कैसे फंसाएगा, जल्दबाजी नहीं करना है कि चलो ये प्रॉब्लम्स था तो इधर फटाक से हमने दिस कर दिया, या चलो यहाँ बुक्स था इधर हमने दिस कर दिया। पूरे क्वेश्चन को देखना है कि क्या करने से क्या फर्क पड़ेगा, कि एक पार्ट में गलती हो जाएगी, दो पार्ट में गलती हो जाएगी, हमें एक पार्ट को करेक्शन करके निकलना है। ये जो बात हम समझा रहे हैं ये आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि यही खेल, इसमें यही समझना है कि एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो कैसे करके निकलना है। ये बात समझ में आ गई, कहानी खत्म, आप क्वेश्चन बना दें, क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन में बच्चे फंस जाते हैं, उनको यही सब डाउट रहता है कि ये तो प्रोनाउन तो नाउन के हिसाब से यूज हो रहा है तो फिर हम नाउन क्यों बदल रहे हैं, हमें तो प्रोनाउन बदलना चाहिए, ये सब दिमाग में चलता रहता है अगर कोई, और इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाता है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों हमें नाउन को ही चेंज करना पड़ रहा है जबकि टेक्निकली तो हमें प्रोनाउन को चेंज करना चाहिए। ओके, यस सर, वेरी गुड। अगर ये समझ में आ गया तो फिर तो आप क्वेश्चन बना लेंगे, बस यही बच्चे उलझ जाते हैं। उनको तो उनको क्या होता है कि भाई नाउन के नंबर के हिसाब से प्रोनाउन में चेंज करना चाहिए, हम तो नाउन को ही बदल दे रहे हैं, तो यही बात समझ में नहीं आती है उनको। और एक तो ये बात समझ में नहीं आती कि ये दिस दैट दिस दोज प्रोनाउन कब होगा, एडजेक्टिव कब होगा। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ से शुरू होती है कि दिस दैट दिस दोज प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, तो हमें समझ में नहीं आता कि कब इसको प्रोनाउन कहे और कब इसको एडजेक्टिव कहे। तब तो मुझे लगता है कि ऐसी समस्या आपको नहीं होगी, एकदम आसान सा तरीका मैंने बता दिया है कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव अगर इस वर्ड। यहां एक बात और ध्यान दीजिएगा, हालांकि मैंने पिछली क्लास में भी आपको कहा होगा कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं आपको कि एडजेक्टिव जो होता है वो हमेशा नाउन के साथ होता है और जो अकेला आता है वो प्रोनाउन होता है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि जो वर्ड एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है और प्रोनाउन की तरह भी यूज होता है, यानी जो वर्ड एडजेक्टिव भी है और जो वर्ड प्रोनाउन भी है, उसको हम कैसे पहचानते हैं कि वो एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है। मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है, अपने मन से कंक्लूजन मत निकाल लीजिएगा कि अकेला है तो प्रोनाउन ही है, अकेला है तो एडजेक्टिव नहीं हो सकता, ये सब कंक्लूजन निकालने की जरूरत है। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि जो वर्ड एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है,
एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है। वो जो वर्ड एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उसमें हम कैसे अंतर जानेंगे। तो अगर वो नाउन के साथ होगा तो एडजेक्टिव कहलाएगा और अकेला होगा तो प्रोनाउन कहलाएगा। उसके बाद जब हम करेक्शन करने लगेंगे तो हम ये देखेंगे कि भाई कोई ऐसा करेक्शन हम ना करें जिससे दो दो पार्ट में गलती हो जाए। और एग्जाम में ऐसे ऑप्शन देगा कि आप एक करेक्शन करेंगे तो हो सकता है दो पार्ट में गलती हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में हमें यह देखना पड़ता है कि कौन सा ऐसा एक करेक्शन करें जिससे हमें दो पार्ट को छेड़ने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि हम कोई ऐसा करेक्शन कर दे इसके बाद गलती बची ही रह जाएगी। सपोज करो इसमें यही बात है, जैसे हम इसको बुक को ही रहने देते हैं और इसको दिस कर देते हैं, तो आर कहां से आता, आर कहां से आता भाई, आर को तो फिर इस करना पड़ता ना, दिस के दिस आर ये कैसे होता। तो ये सब ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अब जो इससे इसका जो सबसे खतरनाक यूज है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन का, उस पे आते हैं। सबसे खतरनाक यूज, और उसी एक यूज की वजह से ये इस तरह के क्वेश्चन तो समझ में आ जाने पर बन ही जाता है अगर ठीक से समझ। एक क्वेश्चन जो है जो इससे बनता है वो कई बार स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है और उससे बार बार क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन हो सकता है मैं आपको अगर लिखूं तो आपको याद आ जाए, लेकिन आपको ये देखना है कि क्या आपको पूरा लॉजिक समझ में आता है, इसमें क्या गलती है। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में इतनी बार पूछा है कि कई बच्चों को इसका आंसर ही याद रह जाता है। कभी कभी तो सेंटेंस देखते ही याद आ जाता है, हाँ ऐसा सेंटेंस मैंने बनाया। तो पहले देखिए सेंटेंस, अब फिर मैं बात करता हूं। द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज बेटर देन दिल्ली, ए बी सी, और कोई गलती नहीं। तो एक तो ये सेंटेंस बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और एक ये सेंटेंस द, इसमें आपको कोई एरर समझ में आता है क्या, तो जरा बता। क्योंकि ये दोनों सेंटेंस कई बार पूछा है, सेंटेंस ही कई बार पूछा है, इसलिए मैं डायरेक्ट सेंटेंस ही पूछ रहा हूं। द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज मोर देन इंडिया, क्या आपको ऐसा क्वेश्चन मिला या ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको समझ में आता है क्या गलती है। क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आया ही हुआ है और इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछता है बार बार। तो क्या आप पहले समझते थे कि ये प्रोनाउन का क्वेश्चन है, प्रोनाउन में ही या डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है, क्या पहले समझ में आता है या अभी समझ में आ रहा है इसमें क्या गलती है। क्या आपने इस तरह के क्वेश्चन देखे हैं या इस तरह का क्वेश्चन पहले पता ही नहीं था, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बार बार पूछता है और बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं रहता कि ये क्वेश्चन भी है। बहुत सारों को नहीं पता चलता कि एरर भी है इसमें। बहुत सारे स्टूडेंट्स में इसमें एरर कहां है, तो ठीक तो है इसमें क्या एरर होगा, सेंटेंस ठीक तो है, इसमें तो नो एरर करना चाहिए। बताइए आप अपना ज्ञान दीजिए कि आपकी स्थिति क्या है, आपने इस तरह का सेंटेंस देखा है, इस तरह का सेंटेंस नहीं देखा, इसमें एरर लग रहा है, एरर नहीं लग रहा है, क्या कहना चाहते हैं, आपका विचार क्या है। क्या लग रहा है कुछ इसमें, क्वेश्चन नंबर 1-2 कर दूं इसमें भी ताकि आप एरर बता सके कि ए में क्या, सेकंड में क्या, कुछ लग रहा है कुछ इस तरह क्वेश्चन देखा कभी। द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज बेटर देन दिल्ली, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज मोर देन इंडिया, कुछ जवाब नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि या तो आज नेटवर्क काम कर रहा है स्लो, या फिर इस तरह के सेंटेंस आपने
कम देखा, ये आपको इसमें पता नहीं चल रहा है क्या करना चाहिए। और मैंने आपको कहा कि मैक्सिमम स्टूडेंट तो इसमें नो एरर करके आते हैं, इस तरह का सेंटेंस जो आ जाता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट नो एरर करके ही आते हैं। मैक्सिमम क्यों करके नो एरर आते हैं? क्योंकि वो हिंदी में नहीं निकाल देते हैं, क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज बेटर देन दिल्ली। हिंदी में हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि कश्मीर की जलवायु जो है दिल्ली से बेहतर है। हम लोग जूते खरीद के आते हैं और किसी को कहते हैं कि मेरे जूते तुमसे अच्छे हैं। अपना घर बनाते हैं और किसी को कहते हैं मेरा घर तुमसे छोटा है या मेरा घर तुमसे बढ़िया है, ऐसा खूब बोलते हैं। तो ये सारे जो सेंटेंस है, बेटर देन दैट ऑफ, ओके, ये क्योंकि ये क्वेश्चन याद रहता है लोगों को। मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि इतनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सबको याद होना चाहिए, याद रहता है। लेकिन इस क्वेश्चन में गलती क्या है पहले उसे समझ। जैसे कोई ये कह रहा है कि कोई जूता खरीद के लाया और वो कहता कि मेरे जूते तुमसे अच्छे हैं, तो आप समझ रहे हो क्या कह रहा है? मेरे जूते तुमसे अच्छे हैं यानी उसके जूते भी जो है वो तुमसे अच्छे, मतलब आपसे अच्छे हो गए, कोई सेंस ही नहीं बना। अगर उसको कहना ही था तो उसको ये कहना चाहिए कि मेरे जूते तुम्हारे जूतों से अच्छे हैं। ये कोई कैसे कह सकता है कि मेरे जूते तुमसे अच्छे हैं? कोई घर बना रखा है, मेरा घर तुमसे बढ़िया है, तुमसे बढ़िया कैसे हो सकता है? तुम्हारे घर से बढ़िया हो सकता है, मेरा घर तुमसे बढ़िया है, मतलब एक तरफ घर एक तरफ व्यक्ति। तो हम ये कह सकते हैं कि मेरा घर तुम्हारे घर से बढ़िया है या मेरा घर तुमसे छोटा है। तो मेरा घर तुमसे छोटा कैसे होता है? इंसान की हाइट जो है वो 5 फुट होती नहीं है, घर की हाइट 5 फुट से कम कैसे होगी? तो ये कहना कि मेरा घर तुमसे छोटा है कोई बात ही नहीं बनती है। तो यहाँ गलती क्या होती है कि जो हम बात कह रहे हैं वो कोई सेंस नहीं दे रहा है। जैसे ये हम कह रहे हैं द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज बेटर देन दिल्ली, तो क्लाइमेट दिल्ली या कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो दिल्ली से बेहतर कैसे हो सकता है? दिल्ली के क्लाइमेट से बेहतर हो सकता है कि जम्मू कश्मीर की अगर क्लाइमेट की बात करें तो फिर दिल्ली की क्लाइमेट की बात करें, एक तरफ स्टेट की क्लाइमेट की बात करें दूसरी तरफ स्टेट से तुलना करेंगे, किसी स्टेट की क्लाइमेट की तुलना कि दूसरे स्टेट के क्लाइमेट से करेंगे, स्टेट के क्लाइमेट की तुलना स्टेट से कैसे कर देंगे? क्लाइमेट की तुलना क्लाइमेट से होगी। इसी तरह से द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज मोर देन इंडिया, कि चीन के पॉपुलेशन भारत से ज्यादा, तो भारत से ज्यादा का क्या मतलब? भारत से ज्यादा का कोई सेंस ही नहीं बना, भारत से ज्यादा का कोई सेंस ही नहीं बना। तो अगर चीन की आबादी की तुलना करें तो भारत की आबादी से तुलना करेंगे, यानी चीन की आबादी और भारत से ज्यादा है कोई सेंस नहीं, बेतु की बात होगी, एकदम मीनिंगलेस बात है, मीनिंगलेस सेंसलेस बात है, इसमें कोई सेंस नहीं बनती। तो अगर हम चीन की आबादी की बात कर रहे हैं तो फिर हम भारत की आबादी की बात करेंगे, चीन की आबादी की बात कर रहे हैं तो भारत के आबादी की बात करेंगे, दोनों तरफ आबादी की बात होगी, एक तरफ आबादी और एक तरफ देश की बात नहीं होगी। समझ में आ गई बात, क्या दिक्कत होती है? तो जरा इसको और डिटेल में पढ़ना, पहले रूल समझना है। इसमें हम होते हैं करते हैं यूज ऑफ दैट, क्या करते हैं यूज ऑफ, सीधा ही लिखते हैं, इसमें दो चीजों का यूज होता है, एक तो दैट का यूज होता है, दूसरा होता है दोज का। टू सेव द रिपीटिशन ऑफ अ सिंगुलर नाउन, टू सेव द रिपीटिशन ऑफ अ सिंगुलर नाउन, दूसरा टू सेव द रिपीटिशन ऑफ ए प्लूरल नाउन। कि टू सेव द रिपीटिशन ऑफ अ प्लूरल नाउन, टू सेव द रिपीटिशन ऑफ अ प्लूरल नाउन। तो सिंगुलर नाउन के रिप्रेशन को रोकना है तो दैट, और लिख लीजिए हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिख लीजिए कि सिंगुलर नाउन के रिप्रेशन को रोकने के लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल नाउन के रिप्रेशन को रोकने के लिए हम दोज का इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर नाउन के लिए दैट और प्लूरल नाउन के लिए दोज, सिंगुलर के लिए दैट और प्लूरल के लिए दोज का इस्तेमाल करते हैं। इतना इतना ध्यान रखना, सिंगुलर के लिए दैट और प्लूरल के लिए दोज, ठीक, क्योंकि दैट सिंगुलर है, दोज प्लूरल अभी पढ़ा था। तो सिंगुलर नाउन के रिप्रेशन को रोकना है तो दैट, अब प्लूरल नाउन के रिप्रेशन को रोकना है तो दोज। तो जो हमारा सेंटेंस था वो क्या था, द क्लाइमेट ऑफ, तो इसका सेंटेंस ओरिजिनल बनना क्या चाहिए, सेंटेंस बनना चाहिए द क्लाइमेट ऑफ
कश्मीर इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली. ये होना चाहिए था इसका असल सेंटेंस कि द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, कि दोनों जगह के क्लाइमेट की तुलना होती, तब ये सेंटेंस अप्रोप्रिएट ये होना चाहिए था कि कश्मीर के जो क्लाइमेट है वो दिल्ली के क्लाइमेट से बेटर, तब ये ठीक होता. लेकिन ये ठीक होने के चक्कर में इसमें ग्रामर हो गया गलत. होना चाहिए था यही सेंटेंस, इसलिए प्रोनाउन चैप्टर बना था कि प्रोनाउन चैप्टर इसलिए बना था कि अब क्लाइमेट क्लाइमेट दो बार लिखेंगे तभी सेंस बनेगा, दो बार लिखेंगे तो सेंस बनेगा, दो बार नहीं लिखेंगे तो सेंस नहीं बनेगा, सेंस ही नहीं बनेगा, सेंटेंस ही नॉनसेंस हो जाएगा. अब तो सेंटेंस को अगर मीनिंगफुल बनाना तो नाउन को दो बार लिखना पड़ेगा. अब रूल क्या कह रहा है कि नाउन को हम रिपीट कर नहीं सकते, तो रूल तो सिर्फ यही कह रहा है ना कि नाउन को रिपीट नहीं कर सकते, साथ साथ रूल ये भी तो कह रहा है कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, ये भी तो कह रहा है. तो अगर सेंस क्लियर करने के लिए नाउन को रिपीट करना जरूरी है तो आप नाउन को रिपीट मत कीजिए, उसके जगह प्रोनाउन का इस्तेमाल कर दीजिए. तब ये कौन सा नाउन रिपीट हो रहा है, सिंगुलर नाउन रिपीट हो रहा है. क्लाइमेट क्या है, सिंगुलर नाउन है, और उसके साथ क्या आ रहा है, नाउन है तो उसके साथ द भी आ रहा है. ये नाउन हट जाएगा तो द अपने आप हट जाएगा. अब सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, दैट. जैसे ही दैट का इस्तेमाल करेंगे तो द अपने आप खत्म हो जाएगा. जब नाउन ही नहीं रहेगा तो उसका आर्टिकल, क्योंकि नाउन के लिए आर्टिकल आता है, नाउन खत्म आर्टिकल अपने आप खत्म हो जाएगा. तो सिर्फ नाउन के रिप्रेशन को ही रोकना था, नाउन की जगह हमने दैट का इस्तेमाल किया, जब नाउन गया तो आर्टिकल अपने आप चला जाएगा, उसको जाने की जरूरत ही नहीं है. तो फिर सेंटेंस हमारा क्या बना, द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज बेटर देन दैट of India, then that of India. ये हमने कहा the population of China is more than the population of India. जब ऐसे सेंटेंस लिखेंगे तब जाके बात बनेगी कि चीन की जो पॉपुलेशन है वो भारत के पॉपुलेशन से ज्यादा है. तो पॉपुलेशन पॉपुलेशन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, पॉपुलेशन पॉपुलेशन के बीच में, तब बात बनी. अब बात बनाने के लिए, सेंस को क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ रहा है कि नाउन के रिप्रेशन को रिपीट करना पड़ रहा है. तो नाउन को हम रिपीट कर नहीं सकते, नाउन को हम रिपीट नहीं कर सकते. तो फिर रूल क्या आता है कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पॉपुलेशन क्या है, सिंगुलर नाउन है, पॉपुलेशन सिंगुलर नाउन है, ये ध्यान रखिएगा, पॉपुलेशन ये अपनी प्लूरल बना लीजिएगा. तो पॉपुलेशन सिंगुलर नाउन है इसलिए इसके जगह पे क्या होगा, दैट होगा. तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, फिर द अपने आप खत्म हो जाएगा. तो बन गया द पॉपुलेशन ऑफ चाइना is more than that of India. अब यही मान लो अगर plural noun हो, यही plural noun हो, singular noun, plural ऐसा भी सकता है. The population of China is more than that, तो that of India. अब मान लो plural noun हो, अब कैसे? जैसे sentence हमने लिया, लिख लिया ये सारा. अब एक plural noun का example देखते हैं हम लोग. लिख लीजिए, लिख लिया ना, लिख लिया सारे एग्जांपल लिख लिए. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. द स्टूडेंट्स ऑफ
क्या लिख दें, कुछ भी लिख दिया, द स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली आर richer than जयपुर, ठीक है, थोड़े से कम पैसे रहते हैं तो लोग क्या करते हैं, जयपुर में पढ़ लेते हैं, रोहतक में पढ़ लेते हैं, और थोड़ा सा ज्यादा पैसा आता है तो वही स्टूडेंट क्या होते हैं, दिल्ली आ जाते हैं पढ़ने के लिए, यही यही बात होती है ना। तो द स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली आर richer than जयपुर, तो यहां तो सेंस ही देखिए फिर गड़बड़ हो गया, दिल्ली के स्टूडेंट जो है जयपुर से अमीर है, क्या सेंस हुआ, दिल्ली के जो स्टूडेंट है वो जयपुर से अमीर है, तो कोई सेंस ही नहीं बना, सेंटेंस नॉनसेंस हो जा रहा है, इसलिए इसको करेक्ट क्या करना चाहिए, द स्टूडेंट्स, यहां यहां पर कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, यहां पर द स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली आर richer than the students of जयपुर, ये होना चाहिए था। अब बात तो क्लियर हो गई कि द स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली आर richer than द स्टूडेंट्स ऑफ जयपुर, कि बात क्लियर हो गया कि हाँ भाई अब तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जो जयपुर के स्टूडेंट है वो दिल्ली के स्टूडेंट से ज्यादा अमीर नहीं है, जो जो दिल्ली के स्टूडेंट है वो जयपुर के स्टूडेंट से ज्यादा अमीर है, बात तो क्लियर हो गई। लेकिन बात को क्लियर करने के चक्कर में क्या हुआ कि एक ही सेंटेंस में स्टूडेंट्स जो है वो दो बार लिखा गया। अब ग्रामर कहता है कि भाई नाउन के रिपीटेशन को रोकना चाहिए, नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड कीजिए। अब रिपीटेशन किसका हो रहा है भाई, तो प्लूरल नाउन का हो रहा है, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए क्या होना चाहिए, फिर दोज होना चाहिए, अभी रूल लिखा था कि प्लूरल नाउन के रिपीटेशन को रोकना है तो दोज लिखा था, नहीं साफ साफ कि दोज का इस्तेमाल क्या करते हैं, टू सेव द रिपीटेशन ऑफ प्लूरल नाउन और दैट का इस्तेमाल सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए। तो भाई हमने सेंटेंस क्या बना दिया, अब क्या बन जाएगा, स्टूडेंट्स क्या है, जैसे ही स्टूडेंट हटेगा तो फिर ये द अपने आप हट जाएगा, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, द स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली आर richer than those of जयपुर, ठीक है, than those of जयपुर, यही है। और कहीं के क्या करता है कि ऑफ जयपुर को हटा के, क्योंकि ऑफ है तो ऑफ के लिए हम apostrophe s का भी इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये जयपुर के क्या करेगा, आपके जयपुर से लिख देगा than those of जयपुर या then जयपुर, सीधा ऐसा कर देगा, देन ये दो जॉब फटा देगा, पूरा का पूरा दो जॉब फटा लेगा और इसके देगा क्या कर देगा, ऐसे लिख देगा देन जयपुर, क्या कर सकता है, देन जयपुर, तो वो भी सही होगा कि जयपुर लिखने का मतलब क्या है, एपोस्ट्रॉफी आ सकता है, दो जॉब जयपुर स्टूडेंट्स, तो जयपुर में एपोस्ट्रॉफी लगा छोड़ देगा तो भी ठीक है, एपोस्ट्रॉफी खाली जयपुर लिखने के छोड़, जयपुर में एपोस्ट्रॉफी लगा के छोड़ना पड़ेगा कि द स्टूडेंट ऑफ दिल्ली आर richer than जयपुर, जयपुर apostrophe s लगाना पड़ेगा, ये भी लिख सकते हैं, या तो लिखना पड़ेगा दोज ऑफ जयपुर, दोज ऑफ जयपुर, दोज ऑफ जयपुर नहीं लिखना चाहते तो जयपुर से लिखकर छोड़ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी किया जा सकता है। तो ये पार्ट बार बार एग्जाम में आएगा, इसको ध्यान रखना, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है और ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन था, बहुत बच्चों को तो समझ भी नहीं आता डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन और क्यों क्वेश्चन है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन का। अब आप इस तरह के क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, इस तरह क्वेश्चन बार बार पूछेगा एग्जाम में और मैं भी आपको अक्सर इस तरह क्वेश्चन टेस्ट में पूछता रहूंगा। तो ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन आज हमारा खत्म हो गया।